हेलो हाय फ्रेंड, जय माता दादी। हम जा रहे हैं पूर्णागिरी के लिए, चलिए हमारे साथ। हम ले जाएंगे आप लोगों को पूर्णागिरी की सैर कराने के लिए, और जो अच्छा अच्छा लगेगा हम वीडियो शूट करके आप लोगों के लिए जरूर दिखाएंगे। जय माता की बोलकर हमने यात्रा स्टार्ट कर दी है। यहाँ पर कनिष्का का थोड़ा जी घबरा रहा था, उसे भी वोमिट होती है और मुझे भी, इसलिए अब मैं आगे बैठूंगी उसको लेकर। हम अभी पीछे बैठे थे। कल उत्तराखंड में एंट्री हम लोगों ने फुल के पास आओ उत्तराखंड खाते पीते हम मस्ती करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आगे बैठने से मुझे उल्टी नहीं आती है और अच्छे से हम लोग आगे बैठ गए थे। चिप्स खाते हुए जा रहे हैं। कन्नू मेरे साथ ही बैठी थी क्योंकि पीछे उसको अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने उसे अपने गोद में बिठा रखा है। उत्तराखंड में घुसते ही पहाड़ दिखने लगते हैं। हमारा ड्राइवर दो गाड़ियाँ गई थी बरेली से। यहाँ पर हम चाय पीने के लिए रुके हैं और सब हमारे मिलने वाले हैं। टनकपुर आ चुका है और हम प्रवेश कर रहे हैं मंदिर की तरफ। उस सामने पुल बना हुआ है, पुल पार करके अब आगे के लिए जा रहे हैं। ये रास्ते में ही जगह जगह पानी आ गया है, पूरी रास्ता टूट चुकी है। हेलो, 5:30 हो गए और हम टनकपुर आ चुके हैं और ठंडा हो रहा है, बहुत मौसम यहाँ ठंडी लग रही है मुझे तो। भाई यहाँ पे अच्छा है मौसम, पहुँच जाएंगे एक घंटे में। यहाँ पे टाइगर आएगा अभी। कन्नो तो बिना बोले रह ही नहीं पा रही थी। वो सामने देखो पहाड़ है, उस पर धूप की लाइट पड़ रही है, बहुत सुंदर लग रहा था। यहाँ नीचे सारा नदी बह रही है, थोड़ी थोड़ी दिख रही है यहाँ से। इतना तेज बहाव है, कोई नहीं है, बहुत तेज बहाव है यहाँ। अंधेरा हो गया, हम 1 बजे के चले हैं घर से। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल नजारा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा व्यू आ रहा है। पूर्णागिरी और मौसम भी एकदम बढ़िया है, बहुत अच्छा, ठंडा ठंडा मौसम है, सुबह तो बहुत ठंड लगेगी। पर्वतों के बीच माता रानी का भवन है। ये एक और पुल पड़ रहा है यहाँ पर सारा नदी के ऊपर, और हम पहुँचने ही वाले हैं। ये देखिए हम लोग आ चुके हैं, गाड़ी हम आ गए। अब यहाँ से हम लोग चढ़ाई करेंगे। पानी की आवाज आ रही होगी ना, जय माता दी बोलकर मेरे साथ कीजिए माता रानी की यात्रा शुरू। और यहाँ पर असली चढ़ाई तो स्टार्ट होती है, अब तक तो हम गाड़ी से आए थे। सीना आ गया, मेरे लिए लगाई है।
पूरा पौन घंटा लगा हमें चढ़ाई चढ़ते हुए, 4-5 बार रुके थे हम रास्ते में, उसके बाद हमने ये चढ़ाई अपनी पूरी की है और धर्मशाला में आकर रुके हैं। और कल सुबह हम अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे, माता रानी के दर्शन करेंगे। आज रात हम यहीं पर रुकेंगे, उसके बाद कल करेंगे अपनी यात्रा शुरू। मेरे साथ आप लोग भी बने रहिए। इस वीडियो में मैं आपको माता रानी के दर्शन कराऊंगी बहुत अच्छे से। चलिए कुछ खा लेते हैं, यहाँ पर मैं मैगी खा रही हूँ। और सुबह हो गई है, हम लोग रात में सो गए थे जल्दी। ये देखिए सुबह का नज़ारा है, हल्की हल्की धूप निकल रही है यहाँ पर, अभी शुरू ही हुई है धूप निकलना। और यहाँ पर देखो पतली सी वो शारदा नदी दिख रही है, पानी बहुत ठंडा है यहाँ का। धर्मशाला में गर्म पानी भी मिला था हमें नहाने के लिए, अच्छी व्यवस्था है यहाँ की। हाय फ्रेंड, जय माता दी। हम जा रहे हैं पूरा की चढ़ाई करने के लिए, ठंड लग रही है। जय माता दी। आइए मेरे साथ यात्रा शुरू कीजिए। यहाँ हमने पहली सीढ़ी से अब माता रानी का माथा टेक कर और अपनी चढ़ाई शुरू कर दी है। बहुत कठिन थी मेरे लिए ये चढ़ाई चढ़ना, 2-3 बार तो मेरी सांसें बिल्कुल ऐसा लग रही थी कि बहुत तेज से हो गई थी। मैं इनसे बोल, ये बहुत खड़ी चढ़ाई है यहाँ पर, मैं तो हाफ गई सीढ़ी हो रही है। व्यू देखो यहाँ का, दिख रहा है ऊंचा है। बेटी धीरे धीरे चले। बेटी एक सांस में चढ़ सकते हैं यहाँ। अभी सारा रास्ता आ गया है, यहाँ दिक्कत नहीं हुई। सीढ़ियों में ज्यादा दिक्कत हो रही थी, सीढ़ियों में ज्यादा दिक्कत हो रही थी, एकदम खड़ी सीढ़ी थी। आ गए हम माता रानी के दरबार में और यहाँ पर हमने देसी घी के दिए जलाए, जो कि हम अपने साथ लेकर आए थे घर से। अपने देसी घी दिए और कॉटन, अपने से बहुत ज़्यादा भीड़ है। पिछली बार जब हम धनतेरस पर आए थे तो बिल्कुल भी इतनी भीड़ नहीं थी, बहुत अच्छे से दर्शन हुए थे माता रानी के। इस बार भीड़ है, थोड़ा टाइम लगा हमें दर्शन करने में, लेकिन बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। दिए जला, हवा चल रही थी तो साइड में ये दिए रखे हैं जलाकर। ये देखिए माता रानी के दर्शन कीजिए, ये है पूर्णागिरी माता रानी। और बाहर से गेट बंद था, हम लोगों ने दर्शन किए वहाँ पर, अपना प्रसाद दिया यहाँ इन लोगों ने, जो अंदर पंडित जी थे, प्रसाद हमारा वापस किया चढ़ा कर वहाँ पर। ये देखो, और यहाँ पर हम वापस जाएंगे, ये मंदिर का ही है। थोड़ा बहुत हम सामान लेंगे यहाँ से, मैंने सिंदूर लिया था और ये मन्नत की चुन्नी होती है, लोग मन्नत मांगते हैं और यहाँ पर चुन्नी बांधते हैं। जिनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वो लोग ये चुन्नी खोलने के लिए आते हैं। हमने कोई भी चुन्नी नहीं बांधी, माता रानी सब जानती हैं कि हमें क्या चाहिए क्या और क्या नहीं। जो दिया है माता रानी ने, हम बहुत खुश हैं उसी में। यहाँ पर फ़ोटो शूट कराया हमने, एक एक फ़ोटो लिया, कन्नू बहुत खुश थी। यहाँ पर बहुत अच्छा फ़ोटो आया है, हमने एक फ़ोटो भी निकलवाया यहाँ से। ये यात्रा हमारी पूरी हो गई है और हम बाहर आ गए हैं मंदिर के। यहाँ से अब हम जाएंगे भैरव बाबा, पहले काली माता के दर्शन करेंगे, उसके बाद हम भैरव बाबा मंदिर जाएंगे। ये हम जा रहे हैं काली माता के मंदिर में, यहाँ पर नारियल चढ़ता है और उसके बाद नीचे भैरव बाबा मंदिर है, उसके दर्शन करने के बाद तभी यात्रा सफल होगी, वरना कोई यात्रा सफल नहीं होगी। इस तरीके से काली माता का ये मंदिर है, यहाँ पर ये ऐसे नारियल मार के तुरंत ही जल, जो नारियल का पानी निकलता है वो चढ़ा दिया जाता है। इस तरीके से इन्होंने भी देखो ऐसे मारा और पानी चढ़ा दिया यहाँ पर। आधा नारियल यहीं पे चढ़ा देते हैं और आधा नारियल प्रसाद के तौर पर हम लोगों को वापस मिल जाता है। हम आ गए हैं भैरव बाबा मंदिर में। जो लोग मेरे साथ वीडियो रूपी इस यात्रा में बने हुए हैं माता रानी, उनकी यात्रा को सफल बनाए। जिन लोगों ने ये वीडियो फुल देखा है, मेरे साथ ये यात्रा पूरी की है, तो
तो मैं यही चाहूँगी कि उनकी मनोकामनाएं पूरी हो, क्योंकि जो लोग मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे उन लोगों की यात्रा पूरी हो चुकी है यहाँ भैरव बाबा मंदिर से। देखिए शारदा नदी है बहुत अच्छी और यहाँ हम सब लोग आए हैं। सारे लोग खड़े हो, नहाने का तो इरादा नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग यहाँ आए। एक अनुष्का कन्नों ने पानी में बहुत मस्ती की और हम निकल चुके हैं यहाँ से। अब हम जा रहे हैं नानक मत्ता मंदिर घूमकर गुरुद्वारे में, उसके बाद ही घर जाएंगे। इन्होंने कट ले लिया है गुरुद्वारे की तरफ और ये आ चुके हैं हम गुरुद्वारे में। आप देख सकते हैं नाना साहब का ये टेम्पल कितना सुंदर बना हुआ है। मैं तो पहली बार आई हूँ अपनी लाइफ में। बहुत अच्छा गुरुद्वारा बना हुआ है ये। अंदर जाके देखते हैं कि कैसा ये मंदिर है। ये देखिए ये कुंड कितना अच्छा है। यहाँ पर मछलियाँ रंग बिरंगी बहुत अच्छी हैं। ये लोग मना कर रहे थे कि यहाँ वीडियो मत लो, लेकिन मैंने उनसे कह के एक छोटी सी वीडियो बना ली है। मछली बहुत सुंदर थी। वही मंदिर भी वास्तव में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ये मंदिर है। मैं यहाँ पर घूमी और पूरा मंदिर हम लोगों ने लिया। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। ये लोग निःशुल्क ही, बिल्कुल कोई पैसे नहीं ले रहे थे। सबके जूते चप्पल एक तरफ रखवा के टोकरी में जमा कर रहे थे और जो लोग सेवादार थे वो यहाँ पर सबकी सेवा कर रहे थे। बहुत अच्छे से ये सबको पकड़ रहे थे। यहाँ पर एक लंगर चल रहा था, वहाँ पर जाकर हमने खाना खाया। लंगर में प्रसाद था बहुत अच्छा। और उसके बाद हम वापस बरेली के लिए निकल लिए हैं यहाँ से ही। कमरे में लगा के रखी लेकिन पकड़ी में। ये डैम का पानी है, ये हाथी डुबाऊ पानी है। यहाँ पास में नहीं गए, गाड़ी से ही हमने देखा बैठ के, क्योंकि इसके पास जाने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी तो बिल्कुल भी। मना कर दिया मैंने, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ पर। ऊनागिरी घूमकर नाना साहेब मंदिर घूमकर आ गए हैं बरेली। आ गए हैं हम घर दर्शन करके और बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा। बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हो गए, लेकिन बहुत ज्यादा थक चुके हैं। पैरों की तो हालत ही खराब हो गई है, पैर सूज गए हैं। चढ़ाई बहुत तभी पड़ जाती है ना, इसलिए कोई नहीं। लेकिन दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। माता रानी सब पे कृपा बनाए रखें अपनी। इसी कामना के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। बाय।